क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शाहरुख। शाहरुख क्या हुआ? धुआं। ये बताओ पूरा मदरसे में क्या हुआ? मदरसे में क्या हुआ, क्या कर रहे थे तुम, किस वजह से जले हो बता दो। मोमबत्ती कहाँ पे रखी हुई थी ये बताओ पूरा। मोमबत्ती फ्रिज पर रखी थी, वो गिर गई अपना। अच्छा, फिर कपड़ों में आग लग गई और फिर सांस आना बंद हो गया था जब धुआं होता जाता। कमरे में गैस बना, कमरे में गैस बना, फिर फ्रिज पे रखा था वहाँ पर। हाँ, और रात हो रही थी, इधर को जावा था, इधर का द्वार में जावा लगा और फिर गेट नहीं मिले थे, दरवाजा नहीं खुल पाया। कितने बच्चे थे कमरे में? कैसे लग रहा था उसे? दम घुट रहा था? कितने बच्चे थे उसमें? बेटे कितने बच्चे थे मदरसे में तुम्हारे? 15 बच्चे। बताओ नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सविज। क्या हुआ, आग कैसे लगी मदरसे में? एक बच्चा अंदर जो है बिल्कुल सही जो है वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये भी क्या हो, आधा घंटा हो गया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, पुलिस की सहायता मिली नहीं? पुलिस ने बहुत सहायता करी, जो पुलिस के तीन चार दफा पुलिस ने आया, बच्चे पहुंचे, पुलिस वालों ने बहुत सहयोग रहा है, एम्बुलेंस वालों ने कोई फोन नहीं उठाया। हां, पुलिस की सहायता हुई, पुलिस की सहायता बहुत हुई, मदरसे का नाम क्या है इसका? मदरसे का नाम ये तो ठंड की वजह से एक अंदाज ही में बच्चे वो करके थे। देखो देखो कितना भयानक मंजर हुआ इसमें, लगी आग में। अल्पन वेटर रखा था, यहाँ बैठ रहा रखा था, इसमें आग नहीं लगी। आज अंदर पहले बंद कर देखते बेटे, बच्चों की तड़प हुई है मेरे चांद। भाई बोर्ड नहीं है क्या मदरसे का कोई? ऊपर दिखाओ और सब रचरी सब रचरी। बताओ तेरा घर से भाई, ताला लाओ तुम एक देख के। आसिफ ताला सारे तोड़ दिए मेरी बच्ची ने। हैं ताले भी सारे तोड़ दिए, बताओ कहां से लाओ ताला? भाई देखो कैसे लाओ, चाहे अपने घर से कैसे लाओ, एक ताले जरूर लगा दो, कभी संदूकड़ी पंदूकड़ी से भी कोई उठा के ले जा कुछ, किसी का कोई हो कुछ इसमें। हां देखो ये पड़े थे बच्चे सारे, तब खींच खींच के बाहर फेंके सारों को। पूरे महल्ले को हो गया जी, पूरी रात जाग तू। हाँ, पूरे महल्ले की मदद है बेचारा की, और तो तलक की मदद है। जब लाइट नहीं है कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ लगभग 11:15 बजे 14 बच्चे जलने के कारण आए थे। घटना सुजड़ू में किसी मदरसे की होनी बताई गई थी। ये बच्चे लगभग 6 से 12 साल के थे, जिसमें 10 बच्चे मेल थे और 4 गर्ल लड़कियाँ थीं। 4 बच्चे ठीक थे जिनको इलाज दे के घर भेज दिया, बाकी 10 बच्चों का भर्ती करके इलाज किया उनका, और उसके बाद उनको थोड़ा गंभीर होने की वजह से मेरठ रिफ़र कर दिया गया।
उम्र की इन बच्चों उम्र की बच्चों की उम्र लगभग 6 से 12 साल के बीच में थी। हालत वो स्टेबल थे लेकिन चेहरे पर और उनके हाथों में जलने के कारण उनको मेरठ भेज दिया था। आपका नाम? नवाब हसन जी। कहाँ के हो? ताब लेके जी। तीन 100 लीटर पढ़ते हैं जी बच्चे। मदद क्या घटना का पता चला तुम्हें? हमें जी आ रहा बच्चा माग कमरे में आग लग गई। अच्छा। इस बात का पता चला जी हमें। कितने उम्र के बच्चा? बच्चे का आ रहा गंभीर है जी। क्या नाम है आपके बच्चे का? एक तो मोहम्मद आरिफ है, एक मोहम्मद दारिस है, एक मोहम्मद साहिद है जी। कितनी उम्र है इनकी? इनकी आ रहा 10 साल का है बड़ा लड़का, छोटा लड़का है 7वें साल में लग रहा जी, और बड़ा वो छोटा है कौन वो 7 वो भी 8-7 के आस पास। तीनों बच्चे नहीं पढ़ते हैं? तीनों बच्चे नहीं पढ़ते हैं जी। अच्छा मिले बच्चे अभी? एक बच्चा मिला जी। और कहाँ है? दो मिले नहीं जी। कहाँ बता रहे? मेरठ बता रहे जी। आपका नाम? मोहम्मद इसरार। क्या हुआ इसरार जी? ये हुआ ये मदरसा था, ये बच्चे पढ़ा रहे थे यहाँ बाहर के बच्चे थे, ये मान लो ईदगाह रोड पे सूजड़ू में खेड़ा पट्टी। अब अचानक जैसे हमने सुना गांव के अंदर उनको भाई बच्चों में आग लग गई, हम जैसे भागे, भाग के देखा तो बच्चे उलट सुलट पड़े वहाँ की वाड़ वाड़ तोड़े, इन बच्चों को निकाल लिए, बच्चे ज़्यादा सीरियस है कुछ मेरठ भेज दिए, और कुछ बच्चे 3-4 ये बचे। कितने बच्चे टोटल? बच्चे 15 बच्चे। कितने घायल है? कितने 12 घायल न मान लो 12 घायल हैं। बच्चे कितने रेफर न मान लो भी 3 के बच्चे 3 बच्चे बचे 4 बच्चे हैं यहां पर 4 बच रहे जी एक अंदर है ठीक है 11 बच्चे भेज दिए। किस उम्र के बच्चे हैं? बच्चे न मान लो लगा के 12-13 साल से, उससे सब नीचे नीचे कोई 10 साल का, कोई 8 साल का, कोई 5 साल का, लड़की भी है उसमें। तो सर बहुत भयानक मामला। आप लोग अगर समय से ना पहुँचते क्या आज? बस समय ना पहुँचते तो बहुत ज़्यादा सीरियस मामला हो गया था, कि यह था कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था ज़्यादा मामला, अल्लाह ने इनकी जान बचा दी, बहुत अच्छा हुआ। मेरा नाम मोहम्मद खालिद। क्या हुआ मदरसे में? फ्रिज रखा हुआ था उस पर, मतलब मोमबत्ती रख रखी थी बच्चों ने। लाइट गई हुई थी? जी लाइट गई हुई थी, और उसमें वायरिंग में आग उग लगी है। वायरिंग में आग लगने के बाद में फिर वो कंप्रेसर पटका है, उस वजह से इनके दिमाग में गैस चढ़ा। तो उसमें बच्चे झुलते? कितने बच्चे उसमें रूम में? 10-15 बच्चे है, बता रहे हैं। किस तरह से घायल है, किस तरह की स्थिति है बच्चों की? कुछ बच्चे तो मतलब मेरठ में पहुंच रहे हैं, रेफर कर दिया इन्होंने यहाँ से, कुछ बच्चे हैं पे जिनकी कुछ हालत सही है। अरे बताइए क्या हुआ, कैसे लगी आग मदरसे में? मदरसे में बच्चे लेटे हुए थे, मोमबत्ती जली हुई थी, बच्चे जली हुई मोमबत्ती छोड़ कर सो गई, वो फ्रिज पर रखी हुई थी, उस पर कुछ कागज़ रखे हुए थे, और बस बच्चे सो गए, कमरे में आग लग गई। कितने बच्चे थे? 15 बच्चे थे। बस कैसी हालत है बच्चों की? हालत कुछ बच्चों की ठीक है और कुछ नाजुक है। कौन सा मदरसा था? जामिया अरबिया अशरफुल मदारिस सूजड़ में खेड़ा पट्टी में, इनका के सामने। तो फ्रिज में आग लगी मोमबत्ती से? जी ठीक। बच्चों
मरकी के सामने कौन से मिलोगे भाई? अरे पीछे वाले में ले लो, चाहे चाहे के मोड़ लो उसमें। तो बेटे वाले पकड़ो भाई, लो दो गीटे पर पकड़ो। चलो आगे इसको ले भाई, दोनों की है समीर। एक लड़की एक तो साजमा है ग्रिहान। हाँ हाँ दो एक लड़के ले भाई। यहाँ पे 108 डॉक्टर हैं। मदरसे का नाम क्या है इसका?